फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रिंग। और कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। तो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट कोड, सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेटिंग कोड का यूज होता है। जब भी हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ के स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ये बताने के लिए कि ये हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू, ये कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल्स को क्या रीड करता है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड करके हमारे आउटपुट स्क्रीन जो होती है उस पर या तो प्रिंट करता है या कोई वैल्यू अगर इनपुट लेनी है। आपने देखा होगा कि स्कैन एफ के जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर परसेंट डी या परसेंट एफ, इस तरह से जिस टाइप का हमारा वेरिएबल होता है उससे रिलेटेड हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि वो उस टाइप की वैल्यू को इनपुट कर सके। तो इसी तरह से प्रिंट करने के लिए भी अगर हमें किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो हम परसेंट डी का यूज करते हैं। फ्लोटिंग जो नंबर होता है, फ्लोट जो डेटा टाइप है, उस टाइप का कोई वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू को हमें अगर स्क्रीन पर प्रिंट करना है परसेंट एफ लेते हैं। तो इसी तरह से वो सारी चीजें क्या है, तो वो है कंट्रोल स्ट्रिंग। उसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी कुछ कंट्रोल स्ट्रिंग्स है। ये कंट्रोल स्ट्रिंग किस तरह से किस काम के लिए वर्क कर रही है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले परसेंट डी, रीड अ डेसिमल इंटीजर। डेसिमल जो इंटीजर है, जो नॉर्मल हमारा इंटीजर है, उसे रीड करने के लिए परसेंट डी। परसेंट सी, रीड अ सिंगल कैरेक्टर। एक कंफ्यूजन होती है कि हम जब कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को यूज करते हैं तो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम कभी कभी उसमें एरे बनाते हैं, तो एरे का यूज होगा तो हम वहां पर स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे या स्ट्रिंग को प्रिंट करने की बात करेंगे। और जब हम एक सिंगल कैरेक्टर, किसी टाइप का एरे नहीं बना रहे हैं, तब हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम परसेंट सी लिखते हैं, इट मीन्स रीड अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। और अगर हम इसी जगह नीचे दिया हुआ है परसेंट एस, रीड अ स्ट्रिंग, अगर हमने स्ट्रिंग बनाया है, कैरेक्टर का एरे बनाया है, तो हमें परसेंट एस का यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। इसी तरह से परसेंट ई है, रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक्सपोनेंशियल वाली जो वैल्यूज होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, उसके लिए परसेंट ई का यूज होता है। इसके बाद में परसेंट एफ है, फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है उसे रीड करता है। इसी तरह से परसेंट एच है, रीड अ शॉर्ट इंटीजर। परसेंट यू है, रीड अ अनसाइंड इंटीजर। परसेंट ओ है, रीड अ ऑक्टल इंटीजर। परसेंट एस बता दिया मैंने आप लोगों को। परसेंट एक्स, रीड अ हेक्साडेसिमल नंबर। और परसेंट आई, ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल तीनों इंटीजर को, किसी को भी अगर जो भी वैल्यू है उसे रीड कर सकता है। तो यहाँ पर इंटीजर के काफी टाइप्स आ गए, यहाँ पर परसेंट डी, परसेंट एक्स और परसेंट ओ। तो ये तो है, आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि नंबर सिस्टम फोर टाइप्स के हैं। उनमें बाइनरी को छोड़ के जो तीनों नंबर सिस्टम है, तो वो तीनों वैल्यूज को रीड करने के लिए परसेंट डी, परसेंट ओ और परसेंट एक्स का यूज किया गया है। एक और कंट्रोल स्ट्रिंग जो कि लॉन्ग डबल का को रीड करने, लॉन्ग डबल जो नंबर्स होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज की जाती है, उस कंट्रोल स्ट्रिंग को कहते हैं परसेंट एल एफ, जिसमें एल कैपिटल होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।